आपके मन में क्या विचार आता है जब आप क्रिस्टलाइज्ड दानेदार या सेमी सॉलिड हनी देखते हैं? हो सकता है कि आप भी उसे नकली या मिलावटी शहद समझें। इसका कारण प्रचलित धारणा है कि असली शहद नहीं जमता, जबकि वास्तविकता इससे परे है। वास्तविकता ये है कि शहद का दानेदार होना एक प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक शहद छत्तों से निकलने के बाद कुछ दिन या महीनों बाद दानेदार हो जाता है। दानेदार या क्रिस्टलाइज्ड होने की गति उन फूलों पर निर्भर होती है जिससे मधुमक्खी नेक्टर लेती है। उदाहरण के लिए, अगर मधुमक्खी ज्यादा नेक्टर सरसों के फूल से लेती है तो वो शहद जल्दी क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, जबकि अकेशिया या जामुन का शहद जमने के लिए महीनों या सालों हो जाते हैं। दरअसल शहद दानेदार होकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, इसलिए शहद कभी भी खराब नहीं होता। इजिप्शियन पिरामिड में पाया गया शहद 3000 साल बाद भी खाने लायक था। हाँ, वो शहद क्रिस्टलाइज्ड रूप में ही मौजूद था। अफसोस की बात तो यह है कि हमारे पढ़े लिखे समाज में भी एक गलत धारणा प्रचलित है, वो भी क्रिस्टलाइज्ड शहद को नकली या मिलावटी समझते हैं, जबकि शहद के हर लेबल पर इसके बारे में लिखा होता है। इस गलत धारणा के कारण बाजार में कुदरती शहद मिलना कठिन हो गया है। जो लोग प्राकृतिक शहद बेचते हैं वो परेशान हैं, जबकि जो लोग सिंथेटिक या डीनेचर्ड शहद बेचते हैं वो खुश हैं। अक्सर कमर्शियल ब्रांड्स प्राकृतिक शहद बेचना पसंद नहीं करते। शहद को क्रिस्टलाइजेशन से बचाने के लिए शहद को गर्म किया जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाता है और उसमें रसायनों का उपयोग भी किया जाता है, या सीधे नकली शहद जैसे कॉर्न सिरप या राई सिरप का उपयोग करते हैं जो कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं होता। हाल ही के डेटा के अनुसार भारत से 90% सरसों का शहद निर्यात होता है। मधुमक्खी पालक जो इस अत्यधिक लाभकारी शहद को निकालते हैं उसे उपभोक्ताओं तक नहीं बेच सकते। उसका कारण यही गलत धारणा है, इसलिए उनके पास एक ही विकल्प है कि वो शहद को एक्सपोर्टर को बेच दें, वो भी सस्ते दामों पर। जबकि विकसित देश जैसे अमेरिका और यूरोप में ये गलत धारणा नहीं है। वहाँ क्रिस्टलाइज शहद को सेट हनी के नाम से बेचा जाता है, वो भी अच्छे दामों पर। अब क्रिस्टलाइजेशन के पीछे का विज्ञान देखते हैं। शहद मोनोसैकेराइड्स का एक सुपर सैचुरेटेड मिश्रण है जिसे डेक्स्ट्रोज और लेव्युलोज कहते हैं। इनकी मात्रा 70% से अधिक होती है। जब शहद मोम से बने हुए स्वच्छ छत्तों में होता है तो वो तरल पदार्थ होता है, क्योंकि मधुमक्खी छत्ते का तापमान लगभग 35 डिग्री बनाए रखती हैं। जब शहद को छत्ते से बाहर निकाला जाता है तो डेक्स्ट्रोज, जो कम सॉल्युबल होता है, मिश्रण से क्रिस्टल के रूप में अलग होना शुरू हो जाता है, जो सफेद या हल्के रंग का होता है। ये क्रिस्टलाइजेशन या दानेदार होने की गति 4 फैक्टर पर निर्भर होती है, जिसमें सबसे प्रथम है फूलों का प्रकार, क्योंकि हर फूल के नेक्टर में डेक्स्ट्रोज और लेव्युलोज की मात्रा अलग अलग होती है। अगर डेक्स्ट्रोज की मात्रा अधिक हो तो शहद जल्दी दानेदार या क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और अगर डेक्स्ट्रोज की मात्रा कम हो तो वो शहद देर से दानेदार होगा। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर शहद में पाए जाने वाले इम्प्योरिटीज है, जैसे डस्ट, पॉलन और वैक्स पार्टिकल्स, जो न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन जाते हैं और शहद को जल्दी जमाने में मदद करते हैं। टेम्परेचर भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। कम तापमान शहद को जल्दी जमाता है, उसीलिए विश्व के किसी भी शहद के लेबल पर लिखा होता है कि शहद को फ्रिज में ना रखें, क्योंकि शहद को फ्रिज में रखने पर शहद जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाता है। शहद के लेबल पर यह भी लिखा होता है कि शहद अगर क्रिस्टलाइज हो जाए तो उसे गर्म पानी या धूप में रखें, क्योंकि 40 डिग्री तापमान पर पहुंचकर शहद वापस तरल या लिक्विड हो जाएगा। एक और फैक्टर पीरियड ऑफ इमोबिलिटी है। अगर आप शहद रोजाना उपयोग करते हैं तो वो शहद जल्दी नहीं जमेगा, क्योंकि रोजाना बॉटल हिलने से क्रिस्टल सेटल नहीं होंगे, लेकिन अगर शहद को अधिक समय के लिए रख दिया जाए तब शहद जल्दी जम सकता है। क्रिस्टल बनने की गति से शहद का टेक्सचर तय होता है। अगर क्रिस्टल बनने की गति अधिक हो तो कई छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे और क्रिस्टलाइज शहद स्मूथ टेक्सचर का होगा। अगर क्रिस्टल बनने की गति धीरे हुई तब क्रिस्टल बड़े होंगे और शहद का टेक्सचर ग्रेनी होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी क्रिस्टलाइज शहद को आसानी से लिक्विड बनाया जा सकता है, उसे गर्म पानी या धूप में रखकर। लेकिन ध्यान रखें कि शहद को 45 डिग्री से अधिक गर्म ना करें, वरना शहद की गुणवत्ता जाती रहेगी। तो अगले समय जब भी आप क्रिस्टलाइज शहद देखें तो उसे नकली या मिलावटी ना समझें, बल्कि लोगों को सच्चाई से अवगत कराएं। हमारा मानना है कि लोगों तक तभी प्राकृतिक शहद पहुंच पाएगा जब वो इस गलत धारणा से बाहर आएंगे।